गुवाहाटी नर्सिंग कॉलेज हूडगढ़वा एएनएम टू ईयर्स कोर्स में नामांकन प्रारंभ। एससी एसटी ओबीसी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था। दूर दराज के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा। संपर्क करें 9939508578। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गढ़वा के रंका मोड़, मझियाव मोड़, कचहरी रोड जाम कर भाकपा माले अखिल भारतीय किसान महासभा एप व इनकलाबी नौजवान सभा आईसा कांग्रेस जेएमएम राजद द्वारा भारत बंद को सफल बनाने को लेकर सड़कों पर उतर तीनों कृषि काला कानून के विरुद्ध न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी बनाने राष्ट्रीय संपदाओं को बेचने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शांतिपूर्ण सड़क जाम किया गया। घूम घूम कर दुकान प्रतिष्ठान बंद किए गए। लोग चिलचिलाती धूप में घंटों सड़क जाम किए रहे। लगभग 12 बजे सभी बंद समर्थकों को गढ़वा पुलिस गिरफ्तार की, जिसमें माले के 165 तथा नगर उटारी 160 तथा मेराल में भी अखिल भारतीय किसान महासभा व झारखंड जनरल मजदूर यूनियन व रंका में भाकपा माले किसान महासभा सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। इस मौके पर गढ़वा थाना परिसर में आज बंद के दौरान सिंधु बॉर्डर पर किसान की मौत पर एक मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। थाना परिसर में कार्यक्रम को माले जिला सचिव कालीचरण मेहता, राज्य कमेटी सदस्य सुषमा मेहता, जिला कमेटी सदस्य जितेंद्र कुमार, आरवाईए के कुंदन मेहता, कांग्रेस के अरविंद तूफानी, अलक निरंजन चौबे, जेएमएम के जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, फजैल अहमद, मनोज ठाकुर, शंभु चंद्रवंशी, राजद के धर्मराज राम ने संबोधित किया। सभी नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार तीनों कृषि काला कानून लाकर देश के किसानों को कॉरपोरेट पूंजीपतियों के हाथों में बेचने का काम किया है। देश के किसान 9 माह से अधिक आंदोलनरत हैं, 600 से अधिक किसान आंदोलन में शहीद हो गए, लेकिन किसान मजदूर छात्र नौजवान विरोधी मोदी सरकार इनकी आवाज को नहीं सुन रही है। इस मौके पर इनके अलावा माले के राहुल जायसवाल, ओम प्रकाश उरांव, कमलेश उरांव, विजय चौधरी, मदन रजक, दीप्ति पॉल सहित काफी संख्या में महिला पुरुष छात्र नौजवान मौजूद हुए। सभी को थाने में से रिहा कर दिया गया।